अच्छा, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर दिस कंपाउंड इज आर। सो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड गिवन है, हमें इसके स्टेबल कंफर्मर्स बताने हैं जिनका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट चाहिए, दैट इज हमें पता होना चाहिए कि हम जो कंफर्मर्स बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। सो हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है, सो उसके अगर हम कन्फर्मर्स बनाने चाहें तो एक तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन सकता है। सो ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन गिवन है, हम इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं। सो वन इज लाइक दिस, यहाँ पे क्लोरीन CH3 CH3 एंड हेयर इट इज ब्रोमीन, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये दो कार्बन है। सो इन दो कार्बन को ही हमने एडजस्ट करना है। सो एक कार्बन पे क्लोरीन Br और CH3 है, दूसरे कार्बन पे भी क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन और CH3 है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसका डाइपोल इधर वाली डायरेक्शन में होगा, इसका इधर वाली डायरेक्शन में होगा, तो नेट हमारे पास कुछ डाइपोल मूवमेंट इस केस में होगा। सो वी कैन से हेयर डाइपोल मूवमेंट इज नॉन जीरो। और हमारे पास कौन सा बन सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज हमारे पास यहाँ पे देखो Br एंगल हमने शिफ्ट करने हैं बेसिकली CH3 ClCl CH3 एंड Br। सो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, इधर हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट डाइपोल हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो इट इज ऑल्सो नॉन जीरो। और इसके अलावा हमारे पास पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनती है, देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, दैट इज क्लोरीन यहाँ पे CH3 CH3 Br और Cl। सो इस केस में भी हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर, तो ओवरऑल इधर। सो ये भी हमारे पास नॉन जीरो हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास तीन कंफर्मर्स ऐसे बन रहे हैं जिनका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा दैट इज 3। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।